दोस्तों, आज सुबह हमारे भारत के एक दिग्गज क्रिकेटर की मौत हो गई है। विस्तार से जानेंगे पूरी खबर, उससे पहले इस दिग्गज क्रिकेटर के लिए इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। 1983 विश्व कप विजेता यशपाल शर्मा का आज सुबह हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। वो 66 साल के थे। यशपाल शर्मा ने अपने करियर में 37 टेस्ट और 42 वनडे मैच खेले थे। टेस्ट में उनके नाम 1606 रन दर्ज हैं, तो वहीं वनडे में 883 रन बनाए थे। यशपाल के नाम टेस्ट क्रिकेट में 2 शतक और 9 अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं वनडे में 4 अर्धशतकीय पारी भी इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने खेली थी। यशपाल शर्मा ने 1983 विश्व कप में भारत को विश्व विजेता बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। खासकर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उनकी पारी हमेशा के लिए यादगार है। सेमीफाइनल में यशपाल जी ने 61 रन की अहम पारी खेली थी, जिसने भारत के लिए फाइनल में पहुंचने के रास्ते आसान कर दिए थे। हाल ही में दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर यशपाल शर्मा ने खुलासा किया था। 1983 विश्व कप के दौरान वे क्रांति फिल्म देखा करते थे, जिससे उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता था। यशपाल शर्मा के निधन से यकीनन भारतीय क्रिकेट का एक सुनहरा युग भी उनके साथ चला गया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।